नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। INT टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। चंद्रानी गुट्टा पुलिस ने मसरूका फोन फरोख्त करने की कोशिश करने वाले दो अफराद को गिरफ्तार करते हुए 90,000 रुपए मालियती 7 सेल फोन बरामद किए। सब इंस्पेक्टर कृष्णैया के मुताबिक 24 साल अब्दुल लतीफ और गुलाम रसूल खान बंदलागुड़े में वाके अल जाबरी स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए आने वालों की तवज्जो हटाकर फोनों का सरखा कर लिया करते थे। उन दोनों को बाद अज़ां मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। मेरा पास एक कंप्लेंट आया सेल फोन चोरी हुआ बोल के। कैसा है मालूम, अभी इन्हों एक्टिवा बाइक पे फोन रखा के पार्किंग कराने के बाद इनका काम पे चले जाते। इसके बाद मेरा फोन गुम गया बोल के कंप्लेंट करे तो ये केस रजिस्टर हुआ चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पे। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक टीम फॉर्म बना के अभी वेरीफाई करने के टाइम पर घोषनगर में एक सस्पेक्ट मिले, इनको ले लेके इंटरोगेशन करे तो इनका दोस्त भी नाम बोले। इनका नाम अब्दुल लतीफ़ एक और गुलाम हसन एक। इन दोनों कैसा करते हैं मालूम, इन्हों यूट्यूब पे एक वीडियो देखे एक्टिवा बाइक का डिक्की कैसा खोलना बगैर चाबी से कैसा खोलना देख के, ये नॉलेज से इन्हों एक्टिवा बाइक पे बगैर चाबी से डिक्की खोल के उसमें क्या क्या चीज़ें वो सब ले लेके जाते। इसी ये तरीका से अभी का परचून घोषनगर पे एक स्विमिंग पूल के ना एक एक्टिव पार्क करे तो इन्हें उधर आके डिक्की खोल के उसमें 7 फोना एक ही बार ले लेके दोनों चले गए। इसके बाद वेरिफिकेशन में हमारा सस्पेक्ट मिले तो ले लेके वेरीफाई करे तो पूरा मालूम हुआ।